मेरा नाम अनिल कुमार है और ये मेरे भाई प्रमोद कुमार जी हैं और ये हमारी बहन सुनीता देवी हैं। और हम लोग आगरा एटा के निवासी हैं और हमें एटा में हमारे भाई को प्रॉब्लम हुई थी किडनी की। हमें पता चला पहले हमारे भाई को सर्दी खांसी हुई थी, उसकी दवाई उन्होंने खाई। फिर उसके बाद सर्दी खांसी की दवाई खाने के बाद इनको थोड़ा सा आराम हुआ। उसके बाद इनको फीवर आ गया, फीवर की दवाई करवाई तो फीवर की दवाई से कुछ आराम मिला। फिर इनको उल्टियाँ दस्त ज़्यादा होने लगे, फिर इनको एडमिट किया तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने वहाँ पे एटा में जो है उन्होंने इनको ब्लड टेस्ट करवाया। ब्लड टेस्ट करवाने के लिए उन्होंने साथ साथ में यूरिया और क्रिएटिनिन का भी ब्लड टेस्ट करवाया। उसमें यूरिया क्रिएटिनिन का ब्लड टेस्ट करवाया तो उसमें रिपोर्ट भी ऐसी आई जिससे कि उन्होंने बोला कि आपको डायलिसिस भी करवानी पड़ेगी। अब इनको बिना डायलिसिस के कोई आराम नहीं है दवाई में, तो इनको डायलिसिस करवाने के लिए आगरा लेके जाइए। तो हम आगरा लेके गए इनको। आगरा लेके गए तो हमारी 3 डायलिसिस हो चुकी थी और चौथी डायलिसिस हमारी आगरा में हो रही थी। उसी समय एक व्यक्ति हमें मिला जो अपने भाई को आयुष ग्राम ट्रस्ट में चित्रकूट से दिखा के गया हुआ था। उन्होंने बताया कि आयुष ग्राम ट्रस्ट चित्रकूट से मैं अपने भाई को दवाई दिला के लेके आया हूँ, बहुत कुछ आराम है। और क्या नाम है, आप भी अपने भाई को लेके जाइए और वहाँ दिखा के आइए, आपको शायद भगवान करे बहुत आराम मिलेगा। हमने उनकी बात को विश्वास किया। विश्वास करने के बाद हम आयुष ग्राम ट्रस्ट चित्रकूट में अपने भाई को लेके आए। जब हम अपने भाई को यहाँ पे लेकर आए थे तो वहाँ पर अपने भाई का क्रिएटिनिन जो था वो क्रिएटिनिन 6.12 था। और जब हमने वहाँ यहाँ पे दिखाया तो यहाँ ट्रस्ट आयुष ग्राम ट्रस्ट वालों ने बोला कि आप अपने भाई को यहाँ पे एडमिट करना पड़ेगा 7 दिन के लिए। तो हमने अपने उनकी बात मानी और 7 दिन के लिए अपने भाई को एडमिट किया यहाँ पे। कि एडमिट करने के बाद हमारे भाई को 2 दिन 3 दिन में ही एक ब्लड टेस्ट करवाया फिर दोबारा से, तो क्रिएटिनिन जो उनका था 1 पॉइंट घट गया था। 6.12 था, 5.2 पे आ गया था 2 दिन के बाद ही ब्लड टेस्ट जब हुआ था। उसके बाद उन्होंने कहा कि दवाइयाँ लेते रहिए और कुछ फायदा अच्छा होगा, तो दवाइयाँ लेते रहे पूरे 7 दिन तक। हमने दवाई ली, हमारा 7 दिन के बाद जो ब्लड टेस्ट हुआ था वो 4.5 था। 4.5 पे जब पहुंचे देखा तो हमने भी बहुत कुछ आराम मिल रहा है जब यहाँ पे इतना है तो दवाइयों से। फिर उन्होंने बोला कि 7 दिन के लिए आप और एडमिट कीजिए अपने भाई को। तो हमने भी ठीक है, तो हमने 7 दिन के लिए और एडमिट किया अपने भाई को यहाँ पे। तो यहाँ पे एडमिट करने के बाद में आज जो हमारा है 7 दिन के बाद दोबारा एडमिट किया, आज हमारा 15वां दिन है। 15 दिन के लिए एडमिट करा पूरा उन्होंने। आज 15 दिन के बाद जो हमारे भाई की क्रिएटिनिन जो है बिल्कुल नॉर्मल है और क्रिएटिनिन जो है 1.4 पे पहुंच गया है। और बिल्कुल डॉक्टर साहब ने बोला है कि आपका मरीज बिल्कुल नॉर्मल है और इस वजह से हमने दवाइयाँ वगैरह भी उन्होंने दी है हमें 1 महीने की दवाई और खाती रहिए और बिल्कुल फिटनेस बिल्कुल फिट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आगे भी नहीं। तो इस वजह से हमने दवाइयाँ भी ले ली हैं और आगे से मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आयुष ग्राम ट्रस्ट वालों का जो मेरे भाई को इस स्टेज पे ला के रखा है जिससे बिल्कुल आदमी नॉर्मल हो जाता है। धन्यवाद।